सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो लेके आए हैं हरियाणा से, जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद पशु मंडी की ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ये मंडी हर संडे को लगती है। आज 29/1/2023 को वीडियो बना रहे हैं। महीने में चार बार इस मंडी का जो लगने का टाइम है, लोकेशन आपको बता दें, फतेहाबाद से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंडी लगती है। और फतेहाबाद से जो रतिया रोड है, इस रोड के बिल्कुल नज़दीक ही ये पशु मंडी लगती है। रतिया यहाँ से तकरीबन 16 या 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जिन भाइयों ने पशुओं की खरीद बेच करनी हो, वो यहाँ पर आकर संडे के दिन पशुओं की खरीद बेच कर सकते हैं। तो आज पशुपालक भाइयों से पता करेंगे मंडी के जो मोल भाव की जानकारी, कि आज जो पशुओं का रेट है वो कैसा है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन आप जरूर दबा दें। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छी देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लगता, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, आपको सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पशु जहाँ से भी खरीदें, अपनी सूझबूझ से खरीदें। हमारा काम मात्र वीडियो बनाना है और आपको पशुओं की जानकारी देना है। तो इसी तरह की वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप पशुओं से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर पशुओं से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सामने जो भाई आपको भैंस चला के दिखा रहे हैं, अड्डर की क्वालिटी है, काफ़ी शानदार है, दोहरा मुटिया थन है। जानकारी भाई से पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, दूध कितना है और भाई इसका रेट क्या मांग रहे हैं। सींग थोड़े खुले जरूर हैं, वैसे थनों की साफ सुथरी भैंस है, अड्डर साफ सुथरा है। बंद क्या लो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब। भाई नाम बता दो अपना। हरमेश सिंह। गांव कौन सा है भाई? दगाड़। कौन से जिले में है? पटियाला। पंजाब से हो भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई खरीद बेच करते हो पशुओं की? हाँ जी, हाँ जी। गाय रखते हो या भैंसे? ना भैंसे। कितने पशु रखते हो घर पे? चार पाँच हर टाइम मिल जाते हैं। भाई फोन नंबर बता दो अपना। 7144-2503। एक बार मेरे को बताओ भाई। 7144-2463-2563। तो भाई जैसे किसी भाई ने पशु खरीदने हो तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई ये जो भैंस चला के दिखाई है, कौन से ब्यांत में ब्याई हुई है? तीसरे ब्यांत। कितना टाइम हो गया भाई को? इसको हो गई 15 दिन। बच्चा क्या नीचे? कटील। दूध अभी मौके पे कितना है? 15 लीटर। अभी तैयार है मौके पे? हाँ जी, 15 लीटर। मोल क्या मांग रहे हो भाई? मोल 31 है इसका। फिक्स है या कम ज्यादा कर लोगे? मौके पे कर लेंगे थोड़ा सा। मौके पे कम ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, भाई ने भैंस की डिटेल बता दी है। मंडी में जो रेट है वो फिक्स नहीं होता, रेट की बार्गेनिंग हो जाती है, रेट कम ज्यादा हो जाता है, आप अपने हिसाब से उसी तरह अंदाजा लगा ले। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो ये भाई आपको झोटी चला के दिखा रहे हैं, लेंथ काफी है, हाइट थोड़ी कम है, अडर का जो साइज है वो बढ़िया है। थनों का ले भाई, थनों का जो साइज है वो आप चेक कर लें। जानकारी भाई से पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, दूध कितना है और भाई इसका रेट क्या मांग रहे हैं। क्या भाई साहब? बढ़िया सर। भाई नाम बता दो अपना। गुरसेवक सिंह जी। गांव कौन सा भाई? रामगढ़ संधुआ। पंजाब से हो भाई? पंजाब से। अच्छा, आप भैंसों की खरीद बेच करते हो या घर का पशु है? ना, बेच खरीद करते हैं सर। अच्छा, गाय या भैंसे? भैंसे ही। कितने पशु रखते हो घर पे? पोते हैं 10 को। हर टाइम मिल जाते हैं? हर टाइम मिल जाता है। भाई फोन नंबर बता दो अपना। 97-793-85-908। मेरे को बताओ भाई एक बार। 97-793-87-793-85-89-908 9 6 9 या 5 9 5 9। तो भाई इस झोटी की डिटेल बता दो, कौन से ब्यांत में बही है? ये दूसरे ब्यांत में बही है सर। कितना टाइम हो गया बही को? आज 7वां दिन है सर। 14 लीटर दूध तैयार है कट्टी के लिए। अभी मौके पे तैयार है? मौके पे तैयार है। बच्चा क्या नीचे? बच्चा कट्टी है सर। कट्टी है। हाँ। तो भाई रेट क्या मांग रहे हो? 120 सर। फिक्स है या कम ज्यादा कर लोगे? कम ज्यादा हो जाएगा सर। कितने पशु लेके आए थे? 2 लेके आए थे सर। अभी बिका है? नहीं बिका कोई? अभी आई है सर। अभी आए हो? हर संडे को आते हो? हाँ, संडे को आते हैं सर। तो दोस्तों, भाई ने झोटी की जानकारी बता दी है, इसकी डिटेल बता दी है। रेट मंडी का फिक्स नहीं होता, बार्गेनिंग हो जाती है, उसी हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। भाई का खरीद बेच का काम है, अगर किसी भाई ने पशु खरीदने हो तो भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेवजह भाई के पास फोन ना करें, पशु खरीदने हो तभी आप फोन करें। दोस्तों, सामने जो भाई आपको भैंस चला के दिखा रहे हैं,
सबसे मंडी में मेरे को शानदार भैंस लगी है पीठ पुट्ठा। आप चेक करें पीठ पुट्ठे की जो क्वालिटी है काफी शानदार है। 17 किलो काफी साफ सुथरा पशुधन है। जानकारी भाई से पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, दूध कितना है और भाई इसका रेट क्या मांग रहे हैं। थनों की क्वालिटी आप चेक करें, अडर की क्वालिटी चेक करें। मेरे हिसाब से इस जोटी में कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। क्या हाल भाई साहब? राम राम भाई। राम राम जी, नाम बता दो भाई जी। अनिल कुमार। गांव कौन सा है भाई? दांगड़। हरियाणा से हो भाई? हाँ हाँ। भैंसों की खरीद बेच करते हो या घर का ही है? ना, खरीद बेच। कितने पशु रखते हो घर पे? घर पर रखते हैं 12-13 भैंसे। गाय भी रखते हो? भैंसे भैंसे गाय रखते हैं 2-3। गाय बिक्री के लिए या वैसे घर पे? घर के लिए। अच्छा, भैंसे बिक्री के लिए रहती है। अच्छा भाई, फोन नंबर बता दो अपना। 94674-31-329। अच्छा भाई, अगर किसी भाई ने पशु खरीदने हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। फोन नंबर है, आप मेरे को बताओ एक बार। 94674-31-329। हाँ जी। हाँ तो भाई, इस ये जो जोटी है इसकी डिटेल बता दो, कौन से ब्यांत में ब्याई है? ये दूसरे ब्यांत ब्याई है, 3 दिन की ब्याई हुई है। अब खीस निकाल रही है 13 किलो। अभी 13 किलो खीस मौके पे तैयार है। और खारकी ने 17 किलो दूध मालिक बता रहा था। अच्छा तो सर, इसके जोटी अब दूध देगी, उम्मीद है 20 किलो देगी पूरा। नहीं वैसे देखो, जोटी साफ सुथरी है, किसी तरह का कोई माइनस पॉइंट नहीं है, दूध निकाल भी सकती है ये। बच्चा क्या नीचे? नीचे कट्टा है। कट्टा है नीचे? हाँ। तो भाई जेनुइन मोल बता दो, क्या मोल मांग रहे हो इसका? जेनुइन मोल है 1,80,000 रूपए। कुछ कम ज्यादा कर दोगे या फिक्स है? ना, कर देंगे कुछ, कुछ मौके पे हो जाएगा। हाँ, मौके पर हो जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, सर ने जानकारी बता दी है, रेट भी बता दिया है, रेट फिक्स नहीं है, रेट कम ज्यादा हो जाएगा। सर का खरीद बेच का काम है, घर पे भी है, अपने बिक्री के लिए पशु रखते हैं। सर हरियाणा से हैं, आप इनसे अगर पशु खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ये शुक्रवार को भी 10 बजे। दोस्तों सामने जो भाई आपको जोटी चला के दिखा रहे हैं, अडर की क्वालिटी काफी साफ सुथरा अडर है। जानकारी भाई से पता करेंगे कौन से ब्यांत में दूध कितना है और भाई इसका रेट क्या मांग रहे हैं। अडर की क्वालिटी आप चेक कर लें, काफी साफ सुथरा पशुधन है। क्या हाल भाई साहब? बढ़िया, ठीक ठाक। भाई नाम बता दो अपना। कलवीर सिंह जी। गांव कौन सा है भाई? दलेल वाला। पंजाब से हो भाई? हाँ जी हाँ जी। भैंसों की खरीद बेच करते हो? हाँ जी हाँ जी। गाय भी रखते हो? भैंसे भैंसे नहीं, भैंस भैंस। कितने पशु रखते हो घर पे? 5-7 डेली रहते हैं, बिकाऊ हर टाइम मिल जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। फोन नंबर बता दो भाई। 9971-77-879। मेरे को बताओ भाई, ऐसे समझ नहीं है, एक एक करके बता दो। 9 हाँ वैसे बता दो। 9 हाँ, 4 हाँ, 1 हाँ, 7 हाँ, 2 हाँ, 77 हाँ, 869। अच्छा तो भाई, जैसे किसी भाई ने पशु खरीदने हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी हाँ जी कर सकता है। ये जो जोटी चला के दिखाई है कौन से ब्यांत में है? तीसरे सुबह में ब्याने वाली है, ब्याई हुई है? ब्याई हुई आज सुबह। आज ही ब्याई है? हाँ जी हाँ जी। तो भाई दूध का रिकॉर्ड 14 लीटर पिछले सुबह का दूध है, इस बार फिर बढ़ा के देगी? हाँ जी हाँ जी। क्या अनुमान है इस बार? 21 नहीं, अनुमान क्या है दूध का इस बार कितना निकाल देगी? 14-15 लीटर निकाल देगी, खुला निकाल देगी। अच्छा भाई, बच्चा क्या नीचे इसके? कट्टी 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 है। तो मोल क्या मांग रहे हो? 21। फिक्स है या कम ज्यादा कर लोगे? नहीं, 1000-2000 इधर उधर हो जाएंगे। अच्छा, मौके पे हो जाएगा। कितने पशु लेके आए थे? 5। बिका है कोई? हाँ, 3 पशु बिक गए। कैसा है मंडी का मोल? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छे रेट में बिके हैं? हाँ जी हाँ। हर संडे को आते हो यहाँ? हाँ जी हाँ जी। फतेहाबाद में आते हो या और मंडी में जाते हो? और मंडी भी जाने। कौन कौन सी मंडी में जाते हो? तलौला, मावर मंडी। पंजाब में है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो दोस्तों, किसी भाई ने अगर पशु खरीदने हो तो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जोटी की डिटेल भाई ने बता दी है, बेवजह भाई के पास फोन ना करें। जिस भाई ने पशु खरीदने हो वही फोन करें। दोस्तों सामने जो सर आपको जोटी चला के दिखा रहे हैं, काफी साफ सुथरा धन है। चला के दिखा दो, थोड़ा चला दो। पहले ब्यांत में है, ब्याने वाली है ना? दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है। अडर की क्वालिटी आप चेक कर लें, हाइट लेंथ है, बढ़िया है, काफी साफ सुथरा पशुधन है। जानकारी सर से पता करेंगे, रेट के बारे में, दूध के बारे में। ले आओ जी। क्या हाल है सर जी?
हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ नाम बता दो जी अपना। बिल्लू सिंह। गांव कौन सा है? गुरने खुरदा। ये पंजाब? पंजाब सर। खरीद बेच करते हो? हाँ जी, हाँ जी। खरीद करते हैं। भैंसों भैंसों की या गायों की भी? ना ना, ना मज्जा मज्जा नहीं करते। भैंसों भैंसों की करते हो? घर पे कितनी भैंसे रखते हो? कर्जा 12 मज्जा ने। बिक्री के लिए? हाँ जी हाँ। ब्याई हुई होती है कि या ब्याने वाली? किस तरह की रखते हो? गबन भी है, ब्याइया भी है। हर टाइम मिल जाती है? फोन नंबर बता दो सर अपना। 98765। हाँ 14435। तो सर किसी ने अगर पशु खरीदने हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना? हाँ कर सकता है। हाँ तो ये जो जोटी चला के दिखाई है इसकी डिटेल बता दो, कौन से ब्यांद में बहने वाली है? ये दूसरे। कितना टाइम बाकी है? 10 दिन। पिछले ब्यांद में कितना दूध था इसका? 10 लीटर दूध देता है। तो इस बार कुछ बढ़ा के देगी? 14-15 तो नहीं देगी, कुछ 12 तो निकाल ही देगी। 12 तो निकाल देगी। वैसे काफी साफ सुथरी जोटी है ये। तो सर कितना टाइम बाकी है ब्याने में? 10 दिन। 10 दिन बाकी है। ऑर्डर और बना जाएगी इतने में? बनाऊंगी खुल्लू छोटे। हाँ तो रेट क्या मांग रहे हो इसका? रेट 140। 140 फिक्स है या कम ज्यादा कर लोगे? हो जाएगा, मौके पे हो जाएगा। कितने पशु लेके आए थे? दो लेके आए। बिका है दूसरा या नहीं? नहीं है, नहीं बिका। अभी आए हो? हाँ। तो सर इसी मंडी में आते हो या और भी मंडी में जाते हो आप? नहीं, हर एक मंडी थी जाने। और मंडी भी जाने, अपना लेते भी जाने। पंजाब की हर मंडियों में जाते हो आप? हाँ, हाँ। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों सर ने डिटेल बता दी है जोटी की, रेट मंडी में फिक्स नहीं होता, बार्गेनिंग हो जाती है रेट की। आप सर ने जो जानकारी दी है उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर का खरीद बेच का काम है, सर पंजाब से हैं। अगर किसी भाई ने पशु खरीदने हो तो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेवजह इनके पास फ़ोन ना करें, पशु खरीदने हो तभी आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों सामने जो भाई आपको बहन चला के दिखा रहे हैं, अडर की क्वालिटी आप चेक करें, काफ़ी साफ़ सुथरा अडर है। थनों का जो साइज़ है वो मुठिया है, हाइट लेंथ है, मीडियम है। जानकारी इस भाई से पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, दूध कितना है और भाई इसका रेट क्या मांग रहे हैं। बांध दो भाई। बांध दो भाई। क्या हाल भाई साहब? बढ़िया जी। भाई नाम बता दो अपना। पवन है जी। गांव कौन सा है? बड़ी बुथल। कौन से जिले में? फतेहाबाद। हरियाणा से भाई? हाँ जी। भैंसों की खरीद बेच करते हो घर के? खरीद बेच करते हैं जी। भैंसों की करते हो खरीद बेच या गाय भी रखते हो? भैंसों की जी। गाय नहीं रखते? घर पे कितने पशु मिल जाते हैं? 5-4 रहे हैं जी। हर टाइम मिल जाते हैं? भाई फोन नंबर बता दो अपना। 8593-93487। एक बार और बता दो। 8593-93487। अच्छा भाई, किसी ने पशु खरीदने तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? कर सकता है। तो जैसे कोई दूर से पशुपालक भाई आता है, अपने यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था है? सारी चीज है जी। अच्छा तो भाई जैसे ये भैंस आपने चला के दिखाई है, कौन से ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में जी। कितना टाइम हो गया भाई को? ब्याह होगी जी, ग्यापन है। अच्छा ग्यापन है, ब्याने वाली है? बच्चा दूसरी ग्यापन। अच्छा अच्छा, कितना टाइम है बाकी ब्याने में? 1-2 दिन ले लेगी जी। 1-2 दिन बाकी है जी। तो भाई कोई दूध का रिकॉर्ड? खार के कार्ड डोड़ा 13 लीटर जी। अभी तो बढ़ा के देगी? हाँ 15-16 किलो दूध काटेगी। 15-16 किलो निकाल देगी? हाँ, खुला जी। रेट क्या मांग रहे हो भाई? रेट 1-15 जी। 1-15 फिक्स है या कम ज्यादा हो जाएगा? हो जाएगा, मौका पे जी। अच्छा कितने पशु लेके आए थे? 2। बिका है दूसरा? नहीं जी, अभी ले आए हैं। अभी आए हो? हाँ। हर बार आते हो मंडी में? जी हर बार। एक ही मंडी में आते हो और कहीं भी जाते? ना ना, इसी मंडी में आते हैं। ओके भाई धन्यवाद। तो दोस्तों भाई ने भैंस की डिटेल बता दी है, भाई का बिक्री का काम है, भाई के घर पे भी पशु बिक्री के लिए मिल जाते हैं। किसी भाई ने अगर खरीदने हो तो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई हरियाणा से है, जिला फतेहाबाद है। बेवजह भाई के पास फोन ना करें, किसी भाई ने पशु खरीदने हो तभी आप इनसे कांटेक्ट करें। दोस्तों सामने जो सर आपको भैंस चला के ले आओ अंकल जी, भैंस चला के दिखा रहे हैं, अडर की क्वालिटी काफी साफ सुथरी है, हाइट लेंथ है, बढ़िया है, काफी साफ सुथरा पशुधन है। सर से पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, दूध कितना है, रेट क्या है, सर बेचने के लिए ले आए हैं या खरीदी है। अडर की क्वालिटी आप चेक कर लें, काफी साफ सुथरा अडर है। क्या हाल अंकल जी? हाँ जी। क्या हाल है जी? ठीक है पुत्र। हाँ बढ़िया अंकल जी, बढ़िया बढ़िया। तो अंकल जी नाम बता दो अपना। अमर सिंह, जिला जलंधर, तहसील नकोदर, पिंड शंकर। पंजाब से हो? हाँ पंजाब से है। तो ये भैंस आपने खरीदी है या बेचने के लिए ले आए हो? ये अपने घर वास्ते ले खरीदी है जी। घर के लिए खरीदी? हाँ है जी, हाँ जी। अपना बिक्री का काम तो नहीं है फिर? बिक्री का नहीं का। अच्छा तो सर ये कौन से ब्यांत में है? दूसरे सूबे है।
दूसरी सुए है। हाँ। कितना टाइम बताया था उन्होंने ब्याई हुई है? ब्याई की 10 रोज की ब्याई है। 10 रोज बच्चा क्या नीचे? हाँ, बच्चा कट्टी है। कट्टी है। दूध कितना बताया था उन्होंने? 16-17 किलो। 16-17 किलो बताया था उन्होंने? देवी देगी। हाँ नहीं, वैसे तो साफ सुथरा पशुधन है, अडर भी बढ़िया दिखा रही है, दूध निकालेगी वैसे तो। हाँ जी। तो किस मॉल में खरीदी है? 1,20,000 में। 1,20,000 में खरीदी है? घर के लिए खरीदी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा मंडी का मॉल आपको? मंडी ठीक है, अच्छा पशु, पैसे नहीं मिलता। हाँ, ये तो बात आपकी जायज है भाई। हाँ। जो मान लो क्वालिटी है उसके तो रेट तो लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये सर ने भैंस खरीदी है यहाँ मंडी से, रेट सर ने बता दिया है, बाकी आप मंडी का जो अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आगे आप चैनल पर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।